नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम HPSSC का जो क्लर्क का पेपर करेंगे सॉल्व। 140 से लेकर हम जो 170 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी के यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते, तो आप इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको HPSSC के क्लर्क के एग्जाम में जाओ 18 तारीख को काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में से देखने को मिले, तो इसको प्लीज़ देखिएगा वीडियो को अच्छे से, ठीक है। 141 क्वेश्चन है, द ड्राइव इन संता एना ब्लोज इन, जो ड्राइव इन संता एना है वो कहाँ ब्लो करती है, वो आपके कैलिफोर्निया में ब्लो करती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, जो सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भारत के संविधान में अंगीकार किया गया है, तो वो कहाँ से किया गया है आपका, वो कनाडा से, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया जो है भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्या की गई है, तो 169 आर्टिकल में जो की गई है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको टेलीग्राम पे पहले ही प्रोवाइड किया है, क्लरिकल के जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कीजिएगा जरूर। अब देखिए आगे, टू होम इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, तो जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति जवाब दे, वो राष्ट्रपति के प्रति जो जवाब दे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, तो स्पीकर डिसाइड करता है कि ये बिल है, बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, लोकसभा का स्पीकर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द ऑफ स्टेट, तो इनमें से कौन सी जो मेन ज्यूरिसडिक्शन नहीं है या फिर मुख्य जो है क्षेत्राधिकार नहीं है हाई कोर्ट का, तो एडवाइसरी ज्यूरिसडिक्शन जो मेन आपका नहीं है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो पंचायतों को संविधानिक दर्जा दिया गया, तो आपका वो 243 अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो कब इनेक्ट किया गया है आपका, 2003 में इनेक्ट किया गया, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज सेड टू बी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनमें से जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं आप, 42 संविधान संशोधन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, 42 संविधान संशोधन को बोलते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लैंड इज द इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो नागालैंड की जो इंग्लिश जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी मिनिमम व्हेन इट इज एट प्लेस्ड एट, जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो मिनिमम कहाँ पे होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो होगा आपका सेंटर ऑफ द अर्थ पे, ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ स्प्रिंग, स्प्रिंग को मैन्युफैक्चर के लिए करने के लिए जो क्या प्रेफर किया जाता है, तो स्टील प्रेफर किया जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ कनकेव इज लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्जिंग लेंस, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार हम किसको बोलते हैं, तो याद रखना है विनस, भोर का तारा और शाम का तारा उसको बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी इसको बोलते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑक्सीजन जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट पे, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट आपका सिलिकॉन है और थर्ड मोस्ट अबंडेंट आपका एल्यूमिनियम देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, सेलुलोज इज अ सेलुलोज आपका जो प्लांट सेल होती है वो सेलवोल, जो सेलवोल होती है वो आपकी जो सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वेक्टर ऑफ कलाजर डिजीजेस, तो वेक्टर जो कलाजर डिजीज का वो सैंड फ्लाई है, क्या है, सैंड फ्लाई, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू जो ये HPSSC के अकॉर्डिंग में जो आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, ये HPSSC के अकॉर्डिंग जो ये आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। एपिकल्चर इज एसोसिएटेड विद हनी बी, किसके द्वारा किससे एसोसिएटेड है, एपिकल्चर हनी बी से एसोसिएटेड है। द मेन ऑर्गन अफेक्टेड बाय डिप्थेरिया इज थ्रोट, थ्रोट बताया गया यहाँ पे, डिप्थेरिया से मेन ऑर्गन जो इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे हिंदी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आठ आठ आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है फूट फूट कर रोना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निडर में स्मास कौन सा होता है, वो आपका जिसको डर नहीं लगता वो आपका निडर होता है, ठीक है, जिसे डर डर ना लगे, ठीक है, तो आपका निडर है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, वहाँ पे अव्ययी भाव स्मास है। आदित्यका का विपरीतार्थक क्या होगा, तो आदित्यका का जो विपरीतार्थक होगा आपका उपत्यका,
तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है, जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है वो आपका अभेदान होती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, तत्सम शब्द कौन सा है, तो दंत यहाँ पे जाओ तत्सम शब्द देखने को मिला, यानी कि संस्कृत का शब्द है ये, किसका है, संस्कृत का। और जो तद्भव शब्द वो शब्द होता है वो संस्कृत का ना होकर जाओ हिंदी का होता है, ठीक है। देखो शुद्ध शब्द कौन सा है, तो सिंपल सी बात है शुद्ध शब्द यहाँ पे इकतरा है, क्या यहाँ पे इकतरा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, खट्टा का भावाचक क्या होता है, तो खट्टापन जो है यहाँ पे भावाचक होगा उसका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यौगिक शब्द कौन सा है, तो यौगिक शब्द यानी कि दो चीज़ों से बनकर मिला होगा, देखो शिव और आले, शिव और आले से मिलकर बना हुआ है, तो ये यौगिक शब्द है, ठीक है। देखिए, और जलज जो है आपका योग रूढ़ है, जलज जो यहाँ पे आपका शब्द है, ये आपका योग रूढ़ है, क्या है आपका योग रूढ़। फ का वर्ण का जो उच्चारण स्थान क्या है, तो फ वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो है आपका ओष्ठ, क्या है, ओष्ठ, ओष्ठ, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, दास का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, किंकर, क्या होता है, दास का पर्यायवाची शब्द किंकर, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आपके आज टॉप 30 क्वेश्चंस, तो ये आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, ये क्वेश्चन पेपर है आपका HPSC सेक्रेट क्लर्क का, HPSC क्लर्क का, तो ये आपको जो आ सकता है HPSC सेक्रेटरी क्लर्क के एग्जाम में। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।